अस्सलाम असलमेकम थैलोट्री शाहिद भाई में मैं आप सभी भैया को वेलकम कहता हूं तो टू एंड मई यानी दो मई टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को थैलोट्री का जो ड्रा होगा इसके लिए थ्री अप डायरेक्ट सेट का फार्मूला आज आप भाइयों को दिखाऊंगा कैसे इसमें पेयर पास हो रहा है और कैसे इसमें सेट थ्री अप का पास हो रहा है तो मुकम्मल आज की इस वीडियो में बताऊँगा तो उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें दो ड्रा हो गया इसमें सेट थ्री का चल रहा है नब्बे सात का भी इसमें सेट पास हुआ नब्बे छः का भी सेट इसी रूटीन में पास हुआ अब ये रूटीन कैसे चल रही है मुकम्मल आज आपकी इस वीडियो में आप भाइयों को बताऊंगा। दो थैलोट्री का जो ड्रा होगा दो पाँच दो हज़ार तेईस को ड्रा है तो इसके लिए एक और से वीडियो को देखिएगा एट सेवन थ्री इसको मल्टीप्लाई करना है सिक्स नाइन सिक्स नाइन ये इसका कोड है बराबर ओनली इसको हमने सेवन बराबर करने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन सेवन बराबर पे जस्ट हमने यहाँ पे थ्री डिजिट पेलेवल छोड़ देने हैं यहाँ पे हमने बत्तीस का पेयर लिख लेना है एंड ज़ीरो नाइन का यहाँ पे अपने पास पेयर था थ्री टू एंड सिफर नाइन अब ये दो पेयर चले हैं इनकी कल्टी जैसे थ्री टू है तो इसको टू थ्री भी हमने करना है और यहाँ पे सिफ़र नाइन है नाइन सिफर भी इसको करना है ठीक है तो अपने पास ओनली ये फोर पेयर आ रहे थे और लास्ट वाला जो डिजिट निकालना है वो ये जो लास्ट वाला सिक्स का डिजिट है इसी से हमने निकालना है, निकालना है सिक्स का डिजिट हमने बाहर निकाल लिया सिक्स से वन हमने प्लस करना है जवाब आएगा सेवन तो सिक्स और सेवन के अपने पास यहाँ पे लास्ट वाले डिजिट है आगे जो थ्री आपका सेट आता है वो सेट आता है नाइन सिफर सेवन का सेट आता है तो यहाँ से नाइन ज़ीरो का पेयर अपना डायरेक्ट पास हो गया और ये सेवन का लास्ट वाला डिजिट भी पास हो गया तो यहाँ पे अपने पास ओनली एट सेट थ्री अप के बन रहे थे जहाँ से थ्री अप का सेट सिफ़र एम सॉरी नाइन सिफर सेवन का सेट यहाँ पे थ्री अप का डायरेक्ट सीधे पास हो गया तो बहुत ही ख़ास रूटीन है क्योंकि इसमें थ्री अप का डायरेक्ट सेट चल रहा है ठीक है ये अपने पास पियर हैं और ये दो अपने पास लास्ट वाले डिजिट हैं ये आप भाइयों ने गौर करना है जैसे लास्ट वाला डिजिट यहाँ पे सेवन का था तो ये अपने पास दो सेवन सेवन एंड सिक्स का लास्ट वाला डिजिट था तो यहाँ पे एट सेट बनते हैं क्योंकि यहाँ पे बत्तीस छः भी बनेगा और बत्तीस सात भी बनेगा और नब्बे छः भी है तो नब्बे सात भी बनेगा तो नब्बे सात का यहाँ पे पहले ड्रा पे थ्री अप डायरेक्ट सेट यहाँ से पास हो गया इसी तरीके के साथ ये फार्मूला चल रहा है और से देखिएगा अब आने वाले ड्रा के लिए भी जो इसमें थ्री अप के सेट बनेंगे और पेयर बनेंगे वो आप भाइयों को बताऊँगा अगर शायद भाई की ये रूटीन आप भाइयों को अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर लेना है क्योंकि इसमें थ्री अप का डायरेक्ट सेट पास होता है तो नाइन सिफर सेवन हमने इसको मल्टीप्लाई करना है सिक्स नाइन सिक्स नाइन के साथ बराबर ओनली इसको सेवन करने हैं फिर आगे जो मैं आपको थ्री अप डायरेक्ट सेट का फार्मूला दिखाऊँगा उस रूटीन में ओनली वन सेट है सिंगल सेट है थ्री अप का तो वो अलग फार्मूला है वो आगे चल के आप भैया को बताता हूँ पहले ये फार्मूला चेक कर लेते हैं तो बराबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन सेवन बराबर करने पे यहाँ पे हमने थ्री डिजिट पहले वाले छोड़ देने यहाँ पे नब्बे का पेयर हमने लिख लेना है जहाँ पे थ्री टू था अब वहाँ पे है नाइन ज़ीरो तो नब्बे का पेयर हमने लिख लेना है और उसके साइड में यहाँ पे वन सेवन का पेयर भी लिख लेना है तो यहाँ पे नब्बे है यानी नौ ज़ीरो है तो इसको ज़ीरो नौ भी करना है और वन सेवन है तो इसको सेवन वन भी करना है तो अपने पास ये थ्री अप के सेट आगे आ रहे थे आई एम सॉरी पेयर आ रहे थे अपने पास फोर पेयर थे और लास्ट वाला जो डिजिट निकालना है वो यहाँ पे सिक्स वाले डिजिट से हमने निकालना है तो यहाँ पे जो सिक्स का डिजिट है ये हमने बाहर निकाल लिया सिक्स सेवन हमने प्लस करना है जवाब आएगा यहाँ पे सेवन तो अपने पास लास्ट वाले डिजिट फिर से सिक्स एंड से सेवन के लास्ट वाले डिजिट है क्योंकि जो लास्ट वाला डिजिट होता है इससे हमने एक प्लस भी करना है ठीक है तो यहाँ पर अपने पास यही सेट आ रहे थे आगे जो थ्री आपका सेट आता है वो सेट आता है नाइन सिफर सिक्स का थ्री अप डायरेक्ट सेट आता है तो यहाँ पे आप एक और से देखेंगे तो नब्बे का यहाँ पे पेयर अपना पास हो गया और ये लास्ट वाला डिजिट यहाँ पे सिक्स का पास हो गया तो इसी तरीके के साथ यहाँ पे जो थ्री अप का सेट पास होता है वो नाइन सिफर सिक्स का थ्री अप डायरेक्ट सेट पास हो जाता है और बहुत ही ख़ास रूटीन है क्योंकि दौड़ रहा हो गया इसमें एट सेट में से यानी आठ सेट में से थ्री अप का डायरेक्ट सेट इसमें पास होता आ रहा है तो बहुत रूटीन भी ख़ास है यहाँ पे देखें नब्बे सात का इसमें सेट थ्री अप का पास हो गया फिर यहाँ पे नब्बे छः का सेट थ्री अप का पास हो गया तो इससे ज़्यादा और बेहतरीन रूटीन क्या होगी अगर शायद भाई कि ये वीडियो आप भाइयों को और ये फार्मूला थ्री अप का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अब देखते हैं आने वाले ड्रा के लिए इसमें कौन सा कौन से वो सेट थ्री अप के बन रहे हैं फिर अगली रूटीन आप अं को दिखाऊंगा जिसमें सिंगल थ्री अप का डायरेक्ट सेट निकल रहा है वो अलग रूटीन है ये अलग रूटीन है उसमें सिंगल थ्री अप का सेट है तो वो भी रूटीन आप गौर से देख लेना है तो चले आप देखते हैं आने वाले ड्राक के लिए इसमें कौन से सेट हैं नाइन सिफर सिक्स हमने इसको मल्टीप्लाई करना है यानी नब्बे छः इसको मल्टीप्लाई करना है सिक्स नाइन एंड सिक्स नाइन के साथ बराबर ओनली हमने इसको सेवन बराबर करने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन सेवन बराबर करने पे थ्री डिजिट हमने पहले वाले छोड़ देने है थर्ड डिजिट तो यहाँ पे वन एंड नाइन यहाँ पे अपने पास फर्स्ट पेयर बन गया वन नाइन का नेक्स्ट जो अपना पेयर है यहाँ पे वो फोर एट का है तो ये भी हमने यहाँ पे लिख लेना है फोर एट का पेयर हमने यहाँ पे लिख लेना है ये फोर एंड एट तो वन नाइन है तो इसकी गलती होगी नाइन वन एंड फोर एट है तो इसकी गलती एट फोर तो अपने पास ये थ्री अप के जो पेयर बनते हैं यानी जोड़ा भी जिसको बोलते हैं और पेयर भी बोलते हैं वो अपने पास आने वाले ड्रा के लिए जो पेयर हैं जोड़े हैं उसमें वन नाइन का जोड़ा है उन्नीस का और अड़तालीस का इक्यानवे और चौरासी ये चार जोड़े अपने पास पेयर निकल रहे हैं अब लास्ट वाला जो डिजिट है वो निकालने के लिए चार वाला जो डिजिट है इसको हमने फाइनली बाहर निकाल लेना है ये चार वाला डिजिट बाहर निकाल लिया चार से हमने एक प्लस करना है तो जवाब आएगा पाँच तो यहाँ पे अपने पास जो डिजिट थे लास्ट वाले उसमें फ़ोर का डिजिट है एंड फाइव का डिजिट है ओनली अपने पास ये दो डिजिट हैं तो यहाँ पे जो एट सेट थ्री अप के बनते हैं उसमें पहला सेट बनेगा वन नाइन फोर एंड वन नाइन नाइन फाइव नेक्स्ट ये अपना थ्री अप का सेट बनेगा वो फोर एट फोर एंड फोर एट फाइव नेक्स्ट ये अपना सेट बनेगा थ्री अप का वो नाइन वन फोर सॉरी नाइन वन फोर ठीक है नेक्स्ट जो अपना इसमें सेट बनेगा वो नाइन नाइन वन फाइव नेक्स्ट जो अपना सेट बनेगा वो एट फोर फोर नेक्स्ट जो अब थ्री एफ का सेट बनेगा उसमें एट फोर फाइव का थ्री एफ का डायरेक्ट सेट है तो अब आने वा, आने वाले ड्रा के लिए अपने पास ओनली ये आठ सेट हैं थ्री एफ के ओनली एट अपने पास सेट निकल रहे हैं अगर अपना फार्मूला यूँ ही कामयाब रहता है तो फोर पियर हैं अपने पास चार पियर हैं जिसमें उन्नीस से अड़ है अड़तालीस है इक्यावे और चौरासी के पेयर हैं और लास्ट वाले जो डिजिट है उसमें फोर का डिजिट है एंड डिजिट है फाइव का तो ये अपना फार्मूला इसी तरीके के साथ कामयाब रहता है तो इस आठ सेट में से थ्री अप का सेट आना चाहिए अब मैं आपको अपनी दूसरी रूटीन दिखाता हूँ जिसमें थ्री अप डायरेक्ट सिंगल सेट होता है थ्री अप का वो फार्मूला कैसे चल रहा है वो भी फार्मूला बहुत खास है गौर से देखिएगा इसमें सिंगल थ्री आपका डायरेक्ट सेट होता है अगर ये शायद भाई की ये रूटीन और ये फार्मूला अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर लेना है तो अब आने वाले ड्रा के लिए मैं आपको सिंगल सेट थ्री आपका बताता हूँ नाइन सिफर सेवन इसको मल्टीप्लाई करना है ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी सेवन बराबर ओनली इसको नाइन्टीन बराबर करने है उन्नीस बराबर करने पर यह फार्मूला है इसमें सिंगल थ्री आपका डायरेक्ट सेट निकल रहा है नाइन सिफर सेवन इसको मल्टीप्लाई करना है ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन बराबर इसको उन्नीस बराबर करने हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह और ये उन्नीस नाइनटीन बराबर यानी उन्नीस बराबर करने पे लास्ट में आप भाई देखेंगे तो सीधे अपना डायरेक्ट सेट थ्री अप का मौजूद है नाइन सिफर सिक्स का तो इसमें से थ्री अप का डायरेक्ट यहाँ पे सिंगल सेट यहाँ से पास हो गया थ्री अप का इसी तरीके के साथ आने वाले ड्रा के लिए अगर सिंगल अपना थ्री अप का सेट पास हो जाता है तो कौन सा थ्री अप का डायरेक्ट सेट है आने वाले ड्रा के लिए सिंगल वो भी आप भैयों को दिखा देता हूँ तो नाइन सिफर सिक्स मल्टीप्लाई करना है ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी सेवन बराबर ओनली इसको उन्नीस बराबर करने हैं तो और से देखिएगा आप देखते हैं आने वाले ड्रा की लिए इसमें कौन सा वो सेट सिंगल निकल रहा है थ्री अप का नाइन सिफर सिक्स इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन इसका कोड है बराबर इसको नाइनटीन करनी है इन उन्नीस बराबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीनथ सेवनटीन एटीनथ एंड नाइनटीन नाइनटीन बराबर करने पे यानी उन्नीस बराबर करने पे अब वहाँ पे जो आने वाले ड्रा के लिए सिंगल थ्री अब का सेट है उसमें सेट है सिक्स फाइव एंड सिक्स तो ये थ्री अब का डायरेक्ट सिंगल सेट है हो सकता है ये अपना सेट थ्री अब का आ जाए और इसका पेयर है यहाँ पर सिक्स फाइव का तो इसको भी आप भाई प्ले कर सकते हैं यानी जोड़ा है सिक्स फाइव का और सिक्स फाइव सिक्स का सिंगल थ्री अप का डायरेक्ट सेट है अगर यहीं से पहले जहाँ पे नब्बे छः का सेट पास हो गया अब वहाँ पे पैंसठ छः का सेट है आने वाले ड्रा के लिए अगर ये फार्मूला कामयाब रहता है तो ये सेट अपना थ्री अप का आना चाहिए और ये पेयर सिक्स फाइव का पास होना चाहिए जोड़ा भी जिसको बोलते हैं और पेयर भी बोलते हैं और अगर शायद भाई की ये रूटीन और फार्मूला भाइयों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें यहाँ पे अपने पास पीयर और जोड़े हैं उन्नीस के अड़तालीस से इक्यानवे चौरासी और ये पैंसठ का जोड़ा है ठीक है इसको पीयर भी बोलते हैं तो अब आने वाले ड्रा के लिए अपने पास ये एट सेट हैं आठ सेट हैं थ्री अप के और ये सिंगल सेट है हो सकता है यहाँ से भी अपना सेट पास हो जाए तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर लें बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़